आज ही डाउटनेट ऐप डाउनलोड करें। डाउटनेट पर होगा अब आपके सभी मैथ्स, केमिस्ट्री, फिजिक्स और बायोलॉजी डाउट्स का सफाया। बस अपने क्वेश्चन की फोटो खींचो, उसे क्रॉप करो और तुरंत वीडियो सॉल्यूशन पाओ। डाउनलोड नाउ। क्वेश्चन में ये बना है कि हमें वैल्यू निकालनी है रिएक्शन क्वेश्चन के फॉर द सेल, और मुझे रिएक्शन ये गिवन है, ठीक है। तो हमें पता है कभी भी हमें कोई रिएक्शन गिवन होती है इन दिस फॉर्म, तो जो मेरा सॉल्ट ब्रिज से पहले होता है वो होती है रिएक्शन टेकिंग प्लेस एट द एनोड, रिएक्शन टेकिंग प्लेस एट एनोड, मतलब मेरा क्या हो रहा है, ऑक्सीडेशन, ठीक है। बात करूं यहाँ की तो क्या हो रहा है, रिएक्शन टेकिंग प्लेस एट कैथोड, ये होता है मेरा रिडक्शन, ठीक है ना। और बीच में विद द टू डैश, ये हमारा होता है सॉल्ट ब्रिज, ठीक है। तो चलिए हम मैं रिएक्शंस लिखती हूँ, रिएक्शंस आर एनोड एंड कैथोड। एट कैथोड क्या हो रहा है मेरा, सीएल नेगेटिव सीएल टू, ठीक है ना, रिड्यूस हो रहा है मेरा, क्या हो रहा है, क्लोरीन टू सीएल नेगेटिव में कन्वर्ट हो रहा है। तो बात करूँ रिएक्शन एट कैथोड, एट कैथोड क्या हो रहा है मेरा, सीएल टू प्लस टू इलेक्ट्रॉन लेके किसमें कन्वर्ट हो रहा है, सीएल नेगेटिव पे, ठीक है ना। और बात करूं रिएक्शन एट एनोड की, एट एनोड क्या हो रहा है, ऑक्सीडेशन एनआई, एनआई टू पॉजिटिव प्लस टू इलेक्ट्रॉन नेगेटिव, ठीक है ना। तो अगर मैं ओवरऑल रिएक्शन लिखूं तो क्या लिख सकती हूँ, सीएल टू, टू इलेक्ट्रॉन तो टू इलेक्ट्रॉन कैंसिल, सीएल टू प्लस निकल सॉलिड गिविंग मी टू सी एल नेगेटिव, यहाँ पे टू आएगा, प्लस निकल टू पॉजिटिव, ठीक है ना, ये मेरी रिएक्शन हो गई है। और बात कर रहे हैं अगर हम, हमसे जो क्वेश्चन में पूछा गया रिएक्शन क्वेश्चन की, तो उसको हम कैसे लिखते हैं, जो हमारे प्रोडक्ट फॉर्म हुआ है, कंसेंट्रेशन ऑफ द प्रोडक्ट रेज टू द स्टोकियोमेट्रिक कोफिशिएंट, ये तो एन आई टू पॉजिटिव है, यहाँ पे सी एल नेगेटिव का स्क्वायर अपॉन में, कैसे एल टू मेरी गैस होती है, और गैस का हम सॉलिड का तो लेते ही नहीं है क्योंकि उसकी कंसेंट्रेशन वन होती है, और सी एल टू गैस है तो उसका क्या लेंगे, प्रेशर ऑफ दी एच टू, ठीक है ना, प्रेशर ऑफ दी एच टू। तो बात करूँ मैं प्रेशर ऑफ सी एल टू, सॉरी ये मेरी गैस है सी एल, तो मैं यहाँ ले लेती हूँ प्रेशर ऑफ सी एल टू, ठीक है। तो निकल टू पॉजिटिव का कितना गिवन है मुझे क्वेश्चन में, कंसेंट्रेशन निकल आयन की 0.190, 0.190, सी एल नेगेटिव के कितने गिवन है 0.40, इसका स्क्वायर हो जाएगा। और प्रेशर कितना गिवन है सी एल टू का, प्रेशर 1 atm, दिस इज 1 atm। तो आफ्टर कैलकुलेटिंग दिस ये हमारा क्वेश्चन कितना हो जाता है, 0.304, ठीक है। तो हम इसे कैसे लिख सकते हैं, 3.04 इंटू 10^-1, एंड दिस इज द फाइनल आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। जो हमसे पूछा था रिएक्शन क्वेश्चन वैसे ही निकलता है, कंसेंट्रेशन ऑफ द प्रोडक्ट्स बाय द रिएक्टेंट्स रेज टू द पावर स्टोकियोमेट्रिक कोएफिशिएंट्स। थैंक यू। क्लास 6 से 12 से लेके नीट, IIT, JEE, मेंस और एडवांस के लेवल तक 10 मिलियन से ज्यादा स्टूडेंट्स का भरोसा। आज ही डाउनलोड करें डाउटनेट ऐप या व्हाट्सएप कीजिए अपने डाउट्स 8400400400 पर।